के शोरूम दोनों कपड़े खरीदने भी जा सकते हैं। वो अभी हम देख रहे हैं शर्ट से। इसकी ये वाली बहुत प्यारी लगी हमें, ये वाली फाइनल करी है। बता फोन बता दे रहा। CMF का फोन मंगाया है ये। क्या ही फिनिश है इसका यार। तो स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। आज 19 जुलाई, हालांकि थोड़ा सा लेट पोस्ट हो रहा है। अब ये साइकिल वापस से सही हो जाएगी, क्योंकि पहले अभी बीच में बहुत हेक्टिक हो गया था भाई मेरा शेड्यूल, बहुत ज्यादा ही, तो एडिट भी नहीं हो रहा था। अब आज पता है, आज 14 तारीख वाला व्लॉग अपलोड होएगा, वो एडिट कर रहा हूँ प्रोसेस में। फिर मैं खा रहा हूँ कल के हमारे पुलाव जो बचे थे, गर्म हो गए सुबह, वो खाऊंगा। केशव अभी यहीं है, केशव छोड़ने गया है चेतना को। चेतना के साथ स्कूल गया कुछ काम से, उसका पेमेंट वगैरह लेना था पिछले साल का, क्योंकि अब चेतना जाएगी। अब 3 सालों से चेतना यहीं पर रह रही थी, उसने ग्रेजुएशन यहीं से करी, बट अब वो उसकी घर जाएगी जयपुर। कल जो मेरे पास पैसे वगैरह आए थे उससे मैं ना कपड़े खरीदने की सोच रहा हूँ। मैं लक्की बाग ले आऊँ, फिर केशव और हम दोनों जाएंगे यार मेरे लिए थोड़े बहुत कपड़े लेने। लिमिटेड बजट में देखता हूँ कितने क्या क्या लग जा सकते हैं। आए हुए थे गेस्ट वगैरह, तो उन्होंने दिए थे 850 रुपये मेरे पास में। अब 850 रुपये में हम देखते हैं कितने कपड़े ला सकते हैं, सांग उससे ही लेने और, ठीक है? तो देखते क्या क्या ला सकते हैं। फिक्स नहीं कि भाई पेंट लाएंगे, शर्ट लाएंगे, टी शर्ट लाएंगे, या फिर चड्डा लाएंगे, पजामा लाएंगे, कुछ भी ला सकते हैं। चले चलो। अभी हम देख रहे हैं शर्ट से, तो ये तो है एम्ब्रॉयडरी वाली। इसकी ये वाली बहुत प्यारी लगी हमें, ये वाली। और हम अभी आए सागर भैया के पास ही। पहले तो केशव कह रहा था कि टी शर्ट लो, पर मैं तब क्या कॉल पे बात कर रहा था, जो केशव को तो पता ही नहीं था। मेरे को टी शर्ट नहीं लेनी, मेरे को शर्ट लेनी। मेरे पास टी शर्ट तो खूब सारी हो गई, अभी कोटा से मैं ले भी आया था टी शर्ट वगैरह। तो अब हमने यह कुर्ता पैटर्न निकलवाया है बीच वाला, केशव को दिखा, कॉटन पे आया, लग तो अच्छा ही रहा यार केशव। ये वाली फाइनल करी है यार। ये भाई सेम एम्ब्रॉयडरी वाले, ज्यादा हो रहा है। मेरी रेट से तो है ना 1600 रुपए हो रहे हैं, कस्टमर की रेट हो गई है तुम्हारी 1440 रुपए। ये तुम आयो हो यहाँ पे वीडियो देख के, जो तुम्हारे लिए 1360 रुपये। अच्छा 1360, 10% लेस करते हैं, तुम्हारे लिए 15 कर दिए मैंने। आओ ठीक है, ये लिया भाई। ये बहुत बेगी बेगी लग रही है, मस्त लग रही है, कतई ढीले कपड़े मेरे को पता नहीं क्यों आजकल पसंद आ रहे हैं ज्यादा ही। अभी मैंने कोटा से एक जीन्स ली थी, वो भी बहुत ढीली ली है मैंने, मजा आ गया था। सारी मेरे को तो पसंद आ गए भाई कपड़े, अच्छे ही थे, प्राइस वगैरह भी सब सही लगाया है यार। सागर भैया के वहां से लाया था इस बार, देखो अरे चल रही है ये, यही चल रही है आजकल, अच्छी लग रही है। नहीं नहीं पहनने के बाद अच्छी लग रही हो। बेल बटम लाए? हाँ छोड़िए, ढीली ढीली अच्छी है ना, बेच चल रहा है। और मेरे को देखो इन्होंने मतलब इस ने बर्थडे गिफ्ट दिया है ये डायरी और ये दो पेन। हाँ अरे वो तू टेस्ट दे ले, इसमें मैंने सभी के नाम लिख दिए, इनसे नाम लिखवा दिए। पहला नाम उसी का ही लिखवाया है इसमें, क्या तूने दिया ना आपको लिख दे तेरा नाम। अभी इनका टेस्ट चल रहा है, ये 15 सेंटेंस दिए मैंने इनको पैसे के, देखते हैं कौन टॉप करता है इनमें से। अभी पढ़ा रहे थे गोलू भैया, उन्होंने 3 से 4 का बेच लिया था, 4 बजे का था कि भाई मैं निकल जाऊंगा, तो मेरे को छोड़ने जा रहे हैं बाकी, फिर वापस से क्लास तो बस अभी निकल ही रहे। आ गए हम, अब यहाँ से इसको बस मिल जाएगी। चल ठीक है ना, जा रहा हूँ मैं ना। मैं सबसे पड़ा पुड़ो के फ्री हो गया और अभी 8:15 बज रहे हैं। बेटा आज हमारे पनीर की सब्जी बनाई है, वो भी माला मौसी ने। माला मौसी अगर मैं इंट्रोड्यूस नहीं कराऊँ तो चेतना की मम्मी शायद, पर मैंने कर दिया मेरे को जहाँ तक लगता है। ये मेरी सबसे छोटी मौसी है, मेरी मम्मी और 3 बहन है, तो ये मेरी जो है ना, ये ऐसे भाई बहनों में तो 4th नंबर की हैं और ऐसे बहनों में 3री सबसे छोटी बहन है। टेस्ट करके बता दे माला मौसी ने कैसी सब्जी बनाई, कितनी गलतियाँ हैं इसमें। अच्छा क्या कह रही है, क्या कह रही है, दांत मत दिखा ना डर जाएंगे ना। तो बहुत प्यारी है भाई, कसम से बहुत प्यारी है, पर इसमें थोड़ा सा नमक कम है, वो मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं ज्यादा ही खाता हूँ। तो मैं नमक डाल के इसको बढ़िया पहन लेता हूँ, बस खा लेता हूँ ढंग से ही, फिर मिलता हूँ।
आज गुरु पूर्णिमा है तो मेरे को काशीपुर स्कूल में दोबारा जाना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया है। आज क्या है वहाँ पे टीचर्स वगैरह का सम्मान समारोह वगैरह है तो मतलब स्कूल जो है ना वो भाई सब एक नंबर स्कूल लगता है। पहले खाना खा लेते हैं अपन, फिर खाना खाने के बाद देखते हैं क्या करते हैं। इसमें चार्ज भी नहीं है, बल मैं खाना खा के फ्री हो जाऊँ क्योंकि आज बर्मा बैंगन बनाया और उनको बहुत अच्छे लगते हैं। बर्मा बैंगन तो तुम जानते ही होंगे, बैंगन के अंदर मसाला भर के उसे बना दिया जाता है क्योंकि नॉर्मल बैंगन मुझे इतने पसंद नहीं है पर बर्मा बैंगन मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पहले इसको मैं चाल लगा देता हूँ, फिर वहाँ भी निकलेंगे, ब्लॉग भी एडिट करना है, आज जो भी होता है मैं बताता हूँ। खाना खा लिया मैंने, अब खाना खाने के बाद में मैं वापस निकल गया काशीपुरी, गाड़ी लक्की भाई ले गए तो अब मेरे को पैदल जाना पड़ेगा। शायद वो देखता हूँ भाई लिफ्ट वगैरह मिल जाए तो, वैसे मैं पैदल बहुत कम ही घूमता हूँ सांगों में और इतनी दूर के लिए तो बहुत रेयर चांस में घूमना होता है यार, क्योंकि देखो ज़्यादातर तो मेरा समय पढ़ाने में घर में ऐसे निकल जाता है, जब पढ़ाता नहीं हूँ तो ये सब करता रहता हूँ, तो बाहर तो मैं रेयरली जाता हूँ तो भी दीपक के घर वगैरह पे और बाइक पे चला जाता हूँ या स्कूटी पे चला जाता हूँ। गुरु या शिक्षक वह व्यक्ति होता है जो लोगों को आध्यात्मिक विकास और ज्ञान के मार्ग पर चलने में मदद करता है। वे मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। जो जानता है बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना कोई महान नहीं, भटक जाता है जब इंसान, तब गुरु ही कहता है जान, ईश्वर के बाद अगर कोई है तो वो गुरु ही है। क्या ही गर्मी है यार, आज तो कतई फॉरेन वाइब वाली गर्मी है। सुनसान कॉलेज 29 तारीख को फेयरवेल करने कह रहे हैं ये लोग, अब अगर करेंगे तो आ जाएंगे अपने, तो क्या ही है ऊपर भाई वो रखा है क्या बोलते हैं उसको, वाइट शर्ट नीचे ब्लैक पेंट। अभी वाइट शर्ट का जुगाड़ करना पड़ेगा क्योंकि मेरी तो टाइट हो गई थी जो केशव को दे दी मैंने, अब फिर देखता हूँ क्या करता हूँ वाइट शर्ट का, तो वाइट शर्ट तो है भी नहीं मेरे पास, लेनी पड़ेगी किसी से। तो के बाद भाई हमने ना बेच पढ़ा लिया है, अभी भी मेरे को पढ़ाने जाना है बट बारिश की वजह से मैं रुका हुआ हूँ। और लक्की और हम दोनों खा रहे हैं यहाँ पे चाट, और वो भी किसका बाबू भैया का, बाबू भैया 5 साल के थे तब से लक्की भाई यही खा रहे, मतलब 20 साल हो गए लक्की भाई यहाँ पे चाट खाते हैं। और ये ना सिर्फ सीजन ही चलाता है इनको, मतलब ये मेरा आदमी है, बहुत थोड़ा इंसान है, मतलब ये जैसे बारिश का सीजन निकला इन्होंने बंद कर दिया, खूब अमीरी है खूब अमीरी, तो शौक के लिए कर रहे हैं ये बंदा। और पतासी वाकई में इनके वहाँ की बढ़िया लगती है सच में, तरस जाते हैं इनकी पतासी को, जैसे ही टेला लगाते हैं ना सबसे पहले कोलम में ही लगाते हैं ये, कि आ जाओ भाई हमने टेला लगा लिया। डे 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 और आए भी ये चीजों को फुल मसाला वगैरह सब डाल दिया इन्होंने, वाकई में यार मस्त लगते हैं, खा लेना आके यहाँ पे देखो गांधी चौराहे पे, और कभी सांगो दाओ बाहर वाले तो इनके जरूर खाना, बट बारिश में मिलेंगे तुम्हें, नहीं तो तुम्हें पता है मेरे इंसान बात तो सही है, सर्दियों में नहीं लगाते गर्मियों में कुल्फियां बेचते हैं बाबू भैया, सर्दियों में तो गजक चलते ना। हाँ यार सर्दियों में गजक बेचते, सीजन का तीनों अलग धंधा है, सर्दियों में गजक, गर्मी में कुल्फी और बारिश में पतासी, देखो ये होती होती है वैरायटी जिंदगी में। मैं तो खा लिया भाई, मेरे पास में कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है ट्राई कर सकते हो। और हम इनके वहाँ पतासी खाते हैं ना, फिर छोले में खाते हैं लोग, बात तो खाते हैं आलू वाली है, और हम खाते हैं ये छोले वाली, ये इंदौरी स्टाइल है खाने की, इससे चाट बनता है पर हम इससे ही खाते हैं, इंदौर में लोग पतासी ऐसे ही खाते हैं, गर्म लगती है मस्त मजा आ जाता है, कतई खा के देखना कभी आओ ना तो ट्राई करना, कहते ना बाबू ऐसे कि ये इसमें खिलाओ एक बार पतासी, और मीठी में जरूर खाना भाई, खट्टी मीठी मिक्स तो अच्छी लगेगी, फिर 10 की 4 ही मिलेगी तुम्हें ये। आज गाइस देखो चांद गया ही चमक रहा है भाई, मजेदार कतई जकाश। अभी जा रहा हूँ आदित्य के घर पे क्योंकि उसको है ना मेरा ये ट्राईपॉड काम आ रहा है, दिख नहीं रहा होगा कोई दिक्कत नहीं है, इसको क्या है कोई क्लास वगैरह का काम है, उसके का एग्ज़ाम है शायद कल, तो उसको देना है ऑनलाइन एग्ज़ाम, ट्राईपॉड लगा के देगा वो, तो ये दे के आना है उसको, और उससे भी मिल के आते हैं, थोड़े बहुत कॉलेज वगैरह से रिलेटेड भी बातें करनी थी तो करके आते हैं। चलो आ गया भाई, अभी वो नीचे आ रहा है उसको दे देंगे, ले तो ये पकड़, इसे फिर एक होल्डर देता हूँ तेरे को, बता फ़ोन बता तेरा क्या, वाइट मंगाया था क्या तेने, इसने CMF का फ़ोन मंगाया है, ये भी नथिंग का जो ब्रांड है, वो लक्की मैन एयरफोन मंगाए थे ना, क्या ही मतलब क्या ही फिनिश है इसका यार, अच्छा है। और ये टांगने वगैरह का सिस्टम है इधर उधर, अरे जक फोन है, स्टैंड भी आया टांग नहीं, यहाँ भी तो टंग जाता है ये चेन लगा के, देखो मतलब लोग भी ऐसे हो रहा है ये लोग, गजब बढ़िया फ़ोन, कितने का पड़ा तेरे, अरे 16.5 बिना चार्जर के 16.5 8128 है ना, बड़े प्रोसेसर क्या था, प्रोसेसर कौन सा आ रहा था इसमें, 7300 मीडियाटेक डायमेंसिटी, हाँ मीडियाटेक डायमेंसिटी, तो हार ना बुरा नहीं है, हार मानना बुरा।